हम ये देखते हैं कि जब ये मौजू आता है तो लोगों में एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी सोच ये है कि रिलीजन क्या तिजारत के बारे में भी बात करेगा। तिजारत के बारे में बात करना है तो मस्जिद से बाहर निकलना होगा, बिजनेस की बात करना है तो दुनिया में निकलना होगा, ये तिजारत की बातें हमें दीन में कहाँ से मिलेगी। लेकिन सही बात तो ये है, और हम इस बात पर गौर करें कि इंसानों की नॉलेज, इंसानों की अंडरस्टैंडिंग, इंसानों की विजडम महदूद है, लिमिटेड है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ कई सालों के तजुर्बे के बाद पता चलती है, और कई तजुर्बे पता चलते हैं कि गलत थे, और दूसरे तजुर्बों के बाद पता चला कि इससे तो दुनिया को नुकसान हो गया था, अब ऐसा करना होगा। हम देखते हैं कि कई बार दुनिया के लोग कई एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद कुछ रियलाइजेशंस मालूम पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब इकोनॉमिक क्राइसिस जो हाल में पूरी दुनिया में आई थी, तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त पर बहुत सारे लोगों को कई चीज़ें रियलाइज़ हुई कि अरे ये चीज़ हमारे यहाँ चल रही है, ये चीज़ है कि हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। सवाल ये है कि क्या ये बेटर नहीं होता कि कोई ऐसा जो इस बात को बिल्कुल परफेक्शन के साथ कंप्लीटली जानता और फुल कंफर्म्ड, जिसकी बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, अगर कोई ऐसा हमें पहले से बता देता कि देखो ये करो, ये नहीं करो, ये सही है, ये गलत है, तो क्या हम सबके लिए बेहतर नहीं होता? हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर एक मिसाल है कि जो दिल्ली में जो केस हुआ, वो केस के बाद जो 60 साल से जो कानून कंट्री में चल रहे थे, लोगों ने कहा कि ये कानून सही नहीं चल रहे थे, अब जाके रियलाइज हुआ। अब आप देखिए कि कितनी सारी जिंदगियां हैं जो बर्बाद हो गई, कितनी सारी चीजें हैं जो डिस्टर्ब हो गई, कितने सारे लोगों को नुकसान हो गया, अब जाके लोगों को रियलाइज हो रहा है, 66 साल के फ्रीडम के बाद पता चल रहा है। तो हम देखते हैं कि इंसानों का ऐसा ही मामला है, क्या यह बेहतर नहीं होता कि कोई जो पहले से जानता और यकीन के साथ जानता और जिसकी नॉलेज परफेक्ट होती, जिसका विजडम परफेक्ट होता, वो हमें बता देता कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, ये मत करो। तो सही बात तो ये है कि इंसान एक्सपेरिमेंट और ट्रायल एंड एरर से जो चीज़ करते हैं, इसमें अगर उनके पास डिवाइन गाइडेंस आ जाती तो उनके लिए ही बेहतर है, हम सबके लिए बेहतर होता। और वही चीज़ बुनियाद है हमारी इस सीरीज़ की। हम सब ये बात देखें कि इंसान खुद से तो नहीं बन गए हैं, हमें बनाने वाला कोई है, और जो इतना वाइज है, जिसका विजडम, जिसका परफेक्शन उसके क्रिएशन से विजिबल है। आज आप देखिए कि हमारी जो बॉडी है, जिस तरह से है क्रिएटेड, जो एक एक चीज़ जिस तरह से चल रही है, ये खुद क्रिएटर के परफेक्शन की गवाही देती है। ये पूरी यूनिवर्स में जो चीज़ चल रही है, वो यूनिवर्स के निज़ाम और सिस्टम को देखकर हमें पता चलता है कि बनाने वाले में यकीनन टॉप लेवल ऑफ परफेक्शन है। अब वो बनाने वाला, जो हम सबका बनाने वाला है, वो ऑल नोइंग है, सब कुछ जानने वाला है, वो सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है, वो हमारा मालिक है, और वो जो बात बताएगा तो वो तो गलत हो ही नहीं सकती। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह मुल्क में सूरह 67 आयत नंबर 14, अला यालमु मन खलक, क्या बनाने वाला नहीं जानेगा, जिसने तुम्हें बनाया क्या वो नहीं जानेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यकीनन वो तो जानता ही है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सीरीज जो आज से शुरू हो रही है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, और ये आने वाली है डिवाइन सोर्स से। कुरान में अल्लाह ताला ने जब कहा, सूरह मायदा की आयत है सूरह 5 आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इस दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, मतलब दीन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब सब चीज आ गई, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आनी चाहिए थी, जो रहनुमाई इंसानों को चाहिए थी और अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचाई, इंसानों तक पहुंचाने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि सारी चीज़ें आ गई, उसके अंदर इंसानों के भले की सारी चीज़ें जो है रहनुमाइयाँ पहुंच चुकी है, और उसमें से एक चीज़ जिसके ताल्लुक से रहनुमाई हमें मिलती है वो तिजारत भी है। तो तिजारत के मुताल्लिक हम देखते हैं कि लोगों में ये जो सोच है कि जैसे ये दीन से ताल्लुक़ नहीं रखती है, ये बिल्कुल गलत सोच है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दीन अल्लाह के नज़दीक कबूल है, एक्सेप्टेड है, वो है इस्लाम।